नहीं कोई भी डिलीवरी का टाइम में कोई हॉस्पिटल पहुंचा दो, मतलब उबड़ खाबड़ रास्तो खड्डा एक अगर फिट का और चालो गाना पता चालो रास्ता में जाए डिलीवरी, तो हॉस्पिटल में तो पूछवा की जरूरत ही कौन, में साफ रोड ना पानी ना कोई चिकित्सा की व्यवस्था ना कौन देगो लड़की, कोई कौन सही दे। बात कार से लेके और बोल रहे। पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी इन्वॉल्व है इसमें, ये तो अरे बहुत बड़ा विधायक है, काम मैं है। विधायक के पास जाऊंगा उनको ये बात बोलूंगा, तो आप काम करोगे या नहीं करोगे? राम राम साहब, मैं भावना कौशिक और स्वागत है तारो न्यूज दोरा री में। आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के निर्जिया की ढाणी मापा खड़ा हाँ। 2022 में जेजा का क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र जी बनकर द्वारा एक डामर की रोड पास करेड़ी ही, और पास करने के बाद नवंबर में भी रोड को काम चालू जो ग्रेवल की सड़क है जो की डाली गई। और सड़क की अगर क्वालिटी की बात करा तो इतनी खराब चीजों को इस्तेमाल करोगे है, बीजा से पत्थर उठाए गए, बीजा से ही बजरी उठा के जो ठेकेदार है वह खाना पूर्ति कर दी। और भी पूरी मामला है जो को तुम दिखा सा वीडियो के साथ लास्ट तक की मामला है या सड़क की स्थिति यह की क्या नजर आ रही। प्रकरण मैडम यह है कि हमारा यहाँ मतलब बबाई तालाब से लेके और ढाणी निजीरा तक 4.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, अच्छा और इसका बजट 89 लाख रुपए इसका बजट पास हुआ है, और कद 11 कद ये हुआ है 29 जून को, 2022 हाँ 2022, 11/11/2022 को इसका शिलान्यास किया माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे विधायक है, उन्होंने शिलान्यास किया। इसका शिलान्यास का पत्थर तालाब के पास लगा हुआ है जिसकी फोटो हम आपको दे देंगे, आप देख लेने वहां जाके। फिर इसका काम शुरू हुआ 6 नवंबर को, ग्रेवलिंग का 6 नवंबर को इसका काम स्टार्ट हुआ है और 2 दिसंबर तक इसका काम हो गया 4.5 किलोमीटर में। अब उसके बाद में वो काम कंप्लीट होने के बाद में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई कोई वन विभाग की। अब वन विभाग की दिक्कत आई तो हमने जब उनको बोला, ठेकेदार से बात करी, विधायक साहब से बात करी कि सर ये काम बंद क्यों हो गया, तो वो बोले भाई ये फॉरेस्ट में पड़ती है कुछ जमीन इसमें, तो हम बोले भाई ठीक है फॉरेस्ट में पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं इसका सोल्यूशन करो, बोले ठीक है हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। अब वो बोले कि ठीक है भाई DFO के पास रिपोर्ट जा रही है, कलेक्ट्रेट के पास जा रही है, फिर रेंजर के पास जा रही है, जयपुर जा रही है, ये प्रोसेस चल रहा है काफी दिन से। अब जैसे ही हमने बात करी DFO से, बात करी राजेंद्र सिंह जी हुड्डा झुंझुनू से, तो उन्होंने हमें बताया कि शायद 28 मई या 26 मई को कुछ ऐसे ही उन्होंने प्रस्ताव भेज रखा था वहां पे। फिर हमने बात करी यार रेंजर विजय फगेड़िया जी हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हमने प्रपोजल डाल रखा है 10 से 15 दिन के अंदर आपका ये फॉरेस्टर वाला क्लियर हो जाएगा। फिर मैं गया यहाँ से, हमारे ये एक्शन साहब हैं PWD में प्रहलाद जी, मैं उनके पास गया, उनसे जाके मैंने कहा कि सर हमारा ये प्रकरण क्या है, कैसे काम पेंडिंग में पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि आपका वन विभाग का काम है ये, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं बोला सर कितनी जमीन हमारी वन विभाग में है, तो उन्होंने कहा कि 8 हेक्टेयर जमीन आपकी वन विभाग में है बाकी नॉन फॉरेस्टर है। तो मैं बोला कि सर अगर जो हमारी नॉन फॉरेस्ट है ना उसमें तो काम चालू कर ही सकते हो ना आप, सही बात क्या है। दिक्कत है उसमें, और ये फॉरेस्ट वाली है इसका जब क्लियरेंस हो जाएगा उसके बाद चालू कर देना भाई, 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, 20 दिन, हम आपको परेशान नहीं करेंगे ना, हम विधायक जी के पास आएंगे ना आपके पास आएंगे, हमारे हम भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा काम ये हो गया। तो फिर वो बोल रहे हैं कि भैया देखो अगर थोड़ी सी के लिए ठेकेदार ना तो आपका मशीन माल वगैरह ला सकता ना और कुछ, वो बेचारा है, ये उनके वर्ड्स हैं प्रहलाद जी के, एक्शन साहब हैं PWD में। फिर ठेकेदार मैं बेचारे हैं हाँ और जनता जनता कुछ भी हो उनको क्या लेना, मैं बोला बताओ। सर ये बताओ ठेकेदार बेचारा हो गया वो फोकट में तो काम करेगा नहीं, यहाँ मेरे पास वीडियो भी है मैडम उसका जो वो बोल रहे थे। फिर मैंने कहा कि सर जनता क्या है, जनता बेवकूफ है क्या? फिर वो बोला आप कैसे क्या करवाना चाहते हो, मैं बोला सर मैं इतना ही जानता हूँ हमारा मालिक विधायक है, समझो भाई आज की तारीख में वोट दो ना दो क्या किया सही क्या बात नहीं किया है। वो एक अलग मैटर है, मैंने कहा कि हमारा मालिक विधायक है, मैं विधायक के पास जाऊंगा उनको ये बात बोलूंगा तो आप काम करोगे या नहीं करोगे, बोले यार अगर तू जाके विधायक को बोलेगा ना तो हमारी नौकरी को खतरा है। अच्छा हाँ मैं बोला सर कैसे आपकी नौकरी को खतरा कैसे है, तो वो बोल रहे हैं कि विधायक साहब हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालेंगे हमें काम करना पड़ेगा, हम काम करेंगे तो काम की शिकायत हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी हम जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे तो हमारी जमानत आपको लेनी पड़ेगी। मैं बोला सर मैं जमानत क्यों लूंगा, पहली बात तो ये बताओ कि विधायक साहब 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री सलाहकार हैं, वो इतने बेवकूफ थोड़ी होंगे शायद वो क्या नाम है आपसे फर्जी काम करवाएंगे। मैंने ये भी पूछा कि विधायक साहब का आपके पास फोन आया, बोले फोन आया तो फिर आप काम क्यों चालू नहीं कर रहे, बोले आपका ये प्रपोजल तैयार होने में टाइम लगेगा। हाँ तो अब मेरे को ये बताओ ये ग्रेवल सड़क बन गई वन विभाग में है ये, है इसका बजट ठेकेदार के पास जा चुका है, वन विभाग का बजट पास हो सकता है क्या ये बताओ आप, और जिसमें वन विभाग में काम किया हुआ है इसका पैसा ठेकेदार ले सकता है क्या?
तो हम इसी चीज के विरोध में हैं कि हमारे हमको ये मतलब क्लियर जवाब मिलना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे पीडब्ल्यूडी अधिकारी के पास में जाने के बाद में विधायक के पास भी थे गए। नहीं, विधायक के पास में मैं पहले जा चुका, 10 बार जा चुका के बस यही रेस्पॉन्स करांगा चालू करांगा, 2-4 दिन में करांगा, 2-4 दिन में करांगा, यही रेस्पॉन्स। अभी चुनावी दौर एकदम से सामना आ गयो है, वोटा की राजनीति अपना आप में फिर से शुरू होगी, तो यहाँ को भी कोई आश्वासन जब चुनाव से पहले पिछले जगह चुनाव अभी वोटा को आश्वासन दे सड़क को आश्वासन दे के वोट लिया गया कि मैडम यहाँ ये कोई भी प्रतिनिधि हो चाहे कोई प्रतिनिधि हो, लेकिन इनको जासर देकर के वोट लिए गए थे उस टाइम पे और इनके साथ में सरासर धोखा हो रहा है। यहाँ कम से कम 1000 लोगों की बस्तियां हैं आगे, और एक काफी सालों से जब देश आजाद हुआ था उससे पहले भी ये इनकी बसावट है, अभी तक इनके पास में आम रास्ता भी नहीं है, और जब ये इनके पास में ये रास्ता की तैयारी हुई तो इनके साथ में धोखा हो रहा है। यहाँ का जो मतलब कि स्थानीय विधायक वो क्या था वो इनके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, या मतलब कि यहाँ के जो जो ठेकेदार हैं वो इनके साथ में कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ये मतलब कि इनके साथ में क्यों हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको यहाँ स्थानीय विधायक आए, इनको आश्वासन अच्छी तरह से दे कि इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इनको बताए सरासर नहीं होगा, हमारे से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब अच्छी तरह से वो तो जाए कि हमारे दिल को शांति हो जाए कि हमारे काम नहीं होने वाला। विधायक साहब की बात ऐसी है, विधायक साहब जब इसका शिलान्यास करने के लिए आए थे ना, तो हमने यहाँ से डीजे से गाजे बाजे से घोड़ी पे बैठा के अच्छी तरह स्वागत किया था उनका। वो वहाँ पे जाके एक तो क्या नाम है, उन्होंने पानी के लिए बोला था, जो ये नहर का पानी आ रहा है ना कुंभ राम लिफ्ट योजना, इसका बोला आपको दुलंडी के दिन आपको पानी की सप्लाई मिल जाएगी, दुलंडी इसी से खेलना। आज तक वो दुलंडी भी नहीं आई उनकी और वो पानी भी नहीं आया। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा क्या नाम है ये सड़क का काम, ये सड़क वड़क भी बन जाएगी। एक हमारा स्वास्थ्य केंद्र था उसका भी कोई लेना देना नहीं, वो भी घोषणा करके गए थे। एक स्कूल के नाम से 5 लाख रुपए की घोषणा कर गए थे, वो भी नहीं मिला अभी तक। 2 लाख रुपए बच्चों के लिए खेल सामग्री के लिए करके गए थे, वो भी कुछ नहीं मिला। विधायक साहब हमें घोड़ी पे घोड़ी दे रहे हैं, राम चूसते रह रहे हैं, इतना ही काम। खेल मैदान तो नहीं, खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपए देके गए हैं, कहाँ वो पैसे कहाँ हैं वो तो बताए ना, मैदान तो जब होगा ना जब पैसे लगेंगे उसमें। जदीजा शिलान्यास करना है, जदी ये सारा वादा करे, वादा करके गया सारा वादा, तो बा वादा को भी जवाब तक जाके लियो कि क्यों बा वादा, एक ही शब्द सर, वादा ही एक ही शब्द है मैडम, करांगा। हाँ, आश्वासन पतो नहीं ये चीज की, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या बात है, नजदीक चुनाव आ गए, 2 महीने बचे हैं अभी, 2-3 महीने लगभग बचे हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन हम मान रहे थे, लेकिन अब मुझे भरोसा खत्म होता जा रहा है। और भी कहें कि परेशानी जो ओडिशा की ढाणी ने देखने के लिए मिली और आसपास का लोगों ने देखने मिली, एक तो पानी की व्यवस्था, रोड की तो दिक्कत हो रही है, रोड निकला है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे, अब साधन जाने के लिए जो इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी दिक्कत होती है तो हम यहाँ गाड़ियों को फोन करते हैं कि बुलाने के लिए, तो गाड़ी वाले मना ही कर देते हैं या मनमर्जी करते हैं कि भाई 1000 रुपये लगेंगे। साधन क्या रास्ते की बहुत जरूरी है, 1000 लोगों की करीबन आबादी है यहाँ पे। अच्छा, SS 13 से लेके देवनगर निजरिया की ढाणी तक की रोड पास हुई, अब पूछने में आ रहा है कि ठेकेदार ने 55 लाख रुपए तो ऑलरेडी उठा भी लिए इस रोड के, तो कहीं नहीं ठेकेदार से लेके और PWD के सभी अधिकारी इन्वॉल्व है इसमें, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। चलो क्षेत्रीय विधायक तो कोनी दान दे रहे, लेकिन गांव का सरपंच जो है कोई नहीं है, जैसे किसी के पास भी चले जाओ, नेता के पास चले जाओ, विधायक के पास चले जाओ, प्रधान के पास चले जाओ, और सबसे बड़ी बात ही हम प्रतापरा गांव से हैं, इसमें विधायक भी है, प्रधान भी रह चुके हैं, सरपंच भी हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे पे लोग हैं, उसके बाद इस प्रतापरा गांव से ये ढाणियां कटी हुई हैं, ना कोई सुनने वाला ना कोई रोने वाला है। अब रोड का ही देख लो, रोड का सबसे काफी बार इसका हो चुका है, अभी भी वाइस का 89 लाख रुपए पास हुए हैं इसके, ठेकेदार जो है वो भी इनसे मिला हुआ है, 55 लाख रुपए जैसे इन्होंने बताया वो उठा के अपना कर लिया काम। उसने क्यों कर लिया, क्योंकि अभी इसका जो पहले काम हुआ था इसमें कुछ नहीं हुआ, इधर के पत्थर उठा के इधर डाल दी, इधर की मिट्टी उठा के इधर डाल दी, 55 लाख रुपए का घोड़ा बना के जो हाफ पेमेंट था उसने उठा लिया, अब आगे का पेमेंट है उसमें रोड़ी वगैरह डस्ट वगैरह लगे। नहीं, ये सारी चीज ठीक है, लेकिन गांव का सरपंच है वह सुध क्यों कुल ले रहा है, गांव की जनता परेशान हो रही है, गांव को जो प्रतिनिधि है जो गांव का मालिक है वो क्यों को नहीं अपनी आँख खोल रहे, वो तो अपनी वो परंपरा निभा रहे हैं ना, इससे पहले जो सरपंच आए थे उन्होंने नहीं सुनी तो हम भी क्यों सुने, हम भी क्यों सुने, वही चला आ रहा है, उससे पहले कोई सुनी नहीं सुनी हम भी नहीं सुनेंगे, आगे आएगा वो भी नहीं सुनेगा, जब तक इधर से कोई अच्छे बंद लीडर उठ के नहीं आएंगे इन लोगों के पीछे नहीं पड़ेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। लीडर सड़क बना देगा, तारे पानी डाल देगा, घर घर का नल लगा देगा,
वो स्वास्थ्य केंद्र पहले वाला तो बोला आपका गया मान लो, अब दूसरा स्वास्थ्य केंद्र आ रहा है उसका बजट भी बोले 43 लाख रुपए से आ रहा है और बहुत बढ़िया बिल्डिंग बढ़ेगी। हमने सोचा भाई चलो ठीक है डाणी को उद्धार हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन उद्धार कड़ा सो जगह मान तो बांद्रा समझ रहा है हिमालय डूंगरा का मैं सोच रहे ये तो कोई आदमी को ना। और वैसे आप चल के देखो आगे ना चार डाणी है, हजार की बस्ती है आगे, ये राजस्व ग्राम घोषित हुआ आपकी बार, लेकिन उसके बावजूद भी है ना ये हालत है। अब आप खुद ही देख लो पानी तो, पानी की व्यवस्था तो पहुंचा दी, कोई व्यवस्था ही कोई व्यवस्था को नहीं पानी क्या है मान लो आगे जाके देखो सार्वजनिक टंकी भी कोनी, सार्वजनिक टंकी है लेकिन सूखी पड़ी है पानी के मतलब है बाकी सार्वजनिक टंकी को बताओ अच्छा सूखी पड़ी है सार्वजनिक टंकी तो आप कोई ट्यूबवेल कराओ पानी करवाओ कोई व्यवस्था हुआ जड़ा जाके बाद टंकिया को पानी पड़े तो पूरी डाणी है पानी को काम कर आप आपको काम निकाल रहे हैं कहीं भी कोई टैंकर गिराओ है कोई कुछ कराओ है कोई चाहे पैसा हो चाहे ना हो कोई कंसो कोई ठा के लाओ है कोई कुछ करे लेकिन आपको काम निकाल रहे बाग भरोसे तो मर जाती डाणी मैं कोई मर जन आऊ ना बैठ बाटे जे कोई डाणी का भाई मर जाए जन बैठ बाट आऊ है कि भाई चलो ठीक है चल आओ बड़े जाके आश्वासन दिया हूँ लोग ठीक है वो करवा देंगे वो करवा देंगे आज तक मान तो कोई कांक नहीं करोड़ दिखियो ना मतलब सही पूछो तो रिश्ते वाले नहीं आते हैं। अब यह थोड़ी सी आस लागी कि भाई सड़क बन रही है भाई आपने बुढ़ा दादा बड़का तो मरगा किन देर आपने आ गई पड़ जाएगी अब मान भी को भाई संगठन खोल लाग रही पड़ जाएगी थोड़ा सा कम विश्वास हो रहे अजी काम चाल के बंद हो बताओ विश्वास का ही चिक्र हो जाए अब तो यही जिस दिन अब बन जाएगी ना डामरीकरण जना है सोचेगा कि हाँ साहब अब बनेगी अभी बताओ हमारे साथ तो वो गया आसमान से गिरा खजूर में लटक गया अच्छा ये स्थिति करके छोड़ दी क्षेत्रीय विधायक और सरपंच सब मिल गए चुनाव के टाइम आएंगे अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ भाषण दे के चले जाएंगे फिर बोल जाएंगे। अभी मेरे स्कूल में छाण में ला के देखे गए थे डॉक्टर साहब प्रतापरा स्कूल में 6 महीने हुए एक फूटी कौड़ी नहीं लगी तो बैंक में रखा 1 रुपया नहीं लगा सारी योजना पूछो तो कि पिसा हुए फोन अकाउंट में फोन करते हैं डॉक्टर साहब के हाँ बेटे हो जाएगा आपका काम तो पहले होगा बस फोन काट दे फिर उठाते ही नहीं फोन। अब आप क्या कह रहे थे ब्याह सगाई की क्या बात है उजाड़ में साहब रोड ना पानी ना कोई चिकित्सा की व्यवस्था ना कौन देगो लड़की कोई कौन दे कोई रिश्ता कौन सी डाणी फलानी डाणी तो वही मना करते कौन जाओ भाई उजाड़ दे आजकल सब पढ़ी लिखी लड़की होगी कोई को ना बचाओ आएंगे जगह सही बात है। यह एक बड़ी समस्या है जो जैसे निकल रही है बताओ कि ये ग्रेवल जो को डाले डो ये पत्थर भी ये जैसे उठाए रहे हैं या मिट्टी भी जैसे उठाई रही है ये पत्थर मिट्टी सब इधर से उठाई हुई है इजासे? नहीं कोई भी डिलीवरी का टाइम में कोई हॉस्पिटल पहुंचा दो मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता खड्डा एक एक फीट का और चालो गाना पता चालो रास्ता में हो जाए डिलीवरी तो हॉस्पिटल में तो पूछवा की जरूरत ही कौन पड़े मान बहुत कम चांस पड़ेंगे हॉस्पिटल में जा पागा तो रास्ता में हो जाए रोड और भी देख रहा हूँ और भी खराब है एक डिलीवरी करवाएंगे तो हॉस्पिटल पहुंचाओ बहुत बार हो जाए जाएंगे गणकरी पर चांस हो जाएंगे वो तो टिटनिस को इंजेक्शन लगा बैठा तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। राम राम की दिक्कत हो रही है कहीं परेशान हो रही है भाई डाणी पानी सुवरी डाणी रोड सुवरी डाणी टावर सुवरी कहीं हो रही रोड सु कहीं पानी सुवरी कहीं टावर के करा वोट गे रहा घर में कोई सुनाई कौन करे सुनाई कौन करे कौन करे वोट लेना है जाना तो कर लीगे कोई कौन करे जाना तो वो तड़के ही बना देंगे और पास मार खान तो कोई आ रही कौन सा चल ही कौन है सरकार बने पाई 4:30 आ रही कौन है चल लिया और आइए खजेंगे आऊंगा जाना बस तड़के ही रोड बन जाएगी अच्छा और पको आऊंगी आपके बारे क्या सोचो थे चुनाव तो जो आगे समय ना ये तो अब कर जाऊंगा ही 5 महीने बाद में कोई नाल नहीं कौन है कोई रोड नहीं कौन है अब तो कौन है रोड बनने का तो जब रोड बना होगा भी नहीं वोट गिरा नहीं जाऊंगा तो दे दिया जन दे दिया अपना बाहर में कोने को रोड की सुविधा पानी के नेत्र कति कौन जाए मेरे पन्ना से मेवली अब तो नहीं दे दिया जगह तो ठीक अरे भी कदे दोगा अब तो मेरे रोड बना और पानी में सलीको पानी की भी दिक्कत आ रही है टूट रहे भाई लाखों गल रहे मेरा कमा कर जाऊंगी निपरा निपरा पा घेरा सांप खाए बताओ के करा और हाथ में ले लो पानी की सुविधा करो हाथ में वोट ले लो मारता दी तुम बताओ क्या कर दोगा मान के मारता दी अब का वोट कहीं मैं रोड में बड़ी जनता वोट गिरा अच्छा अब की बार वोट नहीं गिरोगा थे ठानी ली जोर की ठानी कौन गिरा
ये लो मार रखे जो था कोई आओ रोड तो बनाएगी तो रोड के रामा ना दरी कोई नहीं है मेरी कैसा लगी गोड़ा टूट गया बाथा में ठोकर खाता खाता जनाब जे रहे हैं यहाँ 400 रुपया ली बारा गए कोई रोड बन जाए मेरे बस 150 में काम काट लिया कोई साधन अमन को अंदर आ बाइक कोई साधन आता भी नहीं होगा आवा खड़े अमन को भाई कोई अच्छा बच्चा हो तो बन गए लेके जो कहीं ले जाओ को जम ले जाओ के कोई अपनी मोटरसाइकिल मार ले जाए तो और खड़ा के जा और मार जा आदमी मरे और पड़े और खेरा जा मोटा पर हो तो और बीमार हो तो और हां जरा तू खेरा तो कैट हो रहा जा मरे आपको जा रहा है ना तो कहीं कहीं कौन जा हां आपको घेरा है ना रोड आपकी बार वोट घेरो ही कोनी नहीं बनते बनवा को नहीं वोट है मैं दे होने बस जाओ है नहीं पार्टी ही चली गई नेटवर्क की भी तो दिक्कत ही दारे क्या दिक्कत मारे टावर गिर पानी के रोड की अर्थ तू ही करवा जाए तो नहीं दे जा हां मैं कोई नया लाया हूं भाई तो तू नाम से कोई कया को सदन रोड बनवा दे मैं तो दे जा रोड बनाओ साहब रोड बनाओ देखो मैं खैर दुखी हो रहा था आज जो मैं वोट जावा तो अब कारो को रोड बढ़ाओ जो दरी कोई तो ठा जावा तो देखो ठाखोटा भरा से तो कर खड़े मार कर पानी मार कर तो क्यों कोने बुदो देना पानी को पानी की रोड की टावर की सब चुनावी दौर से आए तो जो भी प्रतिनिधि हुए वो अपना बहुत सारा वादा और बहुत सारी बातें लेके आम जनता के बीच में जावे और सत्ता में आने के बाद शासन में आने के बाद वो वादा में एकदम से जो है भूल ही जावे ही तो आज तो निर्जरिया की ढाणी की जी की स्थिति है बा देखिए सड़क के लेकर दर दर भटक रहे हैं और जो ठेकेदार है बे खाना पूर्ति जी की करी गई है सड़क बनाने में ये पर थारी के राय है बा कमेंट बॉक्स में जरूर दी आगे अपडेट्स के लिए न्यूज दरारी के साथ आए बना रहो थारो पैट न्यूज दरारी के साथ आए बना रखो धन्यवाद।